बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टूलकिट मामले के साथ, जिसमें पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन की रिमांड पर दिशा रवि को लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा रवि इस केस में मुख्य साजिशकर्ता है और केस में कई और गिरफ्तारियां भी आगे हो सकती हैं, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। टूलकिट मामले की मुख्य साजिशकर्ता है दिशा रवि और दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि ये काफी हद तक इन्वॉल्व थी इस पूरे मामले में। माहौल बिगाड़ने के लिए इसने टूलकिट बनाई थी, समय समय पर इसमें बदलाव किए थे और एडिट करके टूलकिट में कुछ चीजें जोड़ी गई थी दिशा रवि की तरफ से। अब दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके मोबाइल फोन से सारा डेटा डिलीटेड दिखाया जा रहा है, लेकिन इसे रिट्रीव किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कैसे दिशा रवि ने टूलकिट को एडिट किया था। वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध भी शुरू हो चुका है। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में कल छात्रों ने दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। छात्रों ने दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस को गमला भेंट किया। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में कई ट्वीट किए हैं। चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। चिदम्बरम ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अगर माउंट कामल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। उधर बेंगलुरु सेंट्रल के बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने भी ट्वीट कर दिशा की गिरफ्तारी के विरोध को गलत बताया है। टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी, अब और किसकी बारी? क्या दिशा रवि सिर्फ एक मोहरा है? किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जिस टूलकिट को ट्विटर पर शेयर कर डिलीट किया था, उस केस में कल जैसे ही पहली गिरफ्तारी की खबर आई तो खलबली मच गई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु के 16 देवनहल्ली से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को शनिवार को गिरफ्तार किया था। कल कोर्ट से पुलिस ने दिशा को 5 दिन की रिमांड पर भी लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने और माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूलकिट केस में मुख्य साजिशकर्ता है। दिशा ने टूलकिट को कई बार एडिट किया था। सूत्रों के मुताबिक दिशा ने कबूल किया है कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। दिशा के मुताबिक वो किसान आंदोलन से प्रभावित थी और किसानों के समर्थन में ऐसा किया। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले से ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें निकिता जेकब जुड़ी हुई थी। निकिता भी इस केस में दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पूछताछ के लिए निकिता से साइबर सेल ने संपर्क भी किया है। निकिता के अलावा दिशा से जुड़ा एक और शख्स दिल्ली पुलिस के राडार पर है। पूछताछ में दिशा रवि ने खुलासा किया है कि जो टूलकिट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसमें उसने उस टूलकिट को न सिर्फ दिशा रवि ने एडिट किया, बल्कि उसमें कुछ और वर्ड जोड़े नफरत फैलाने वाले, और उसके बाद उसको प्रोपेगेट किया, उसको सोशल मीडिया में आगे फॉरवर्ड किया। पूछताछ के बाद दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस नफरत भरे टूलकिट के मामले में कई और चर्चित और बड़े नाम रडार पर हैं। दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूलकिट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने धालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। दरअसल इस टूल किट का सीधा लिंक 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट में जिस तरह के एक्शन प्लान का जिक्र किया गया था, सब कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया, जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है। इस
के द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डेलिनेट किया गया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। एक तरफ पुलिस दिशा रवि को मुख्य साजिशकर्ता बता रही है, दूसरी तरफ दिशा की रिहाई के लिए बेंगलुरु में कल प्रदर्शन हुए हैं। यही नहीं, विपक्ष के कई नेताओं ने भी ट्वीट कर दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है आरोपों को साबित करने की। दिल्ली से तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और वहीं दिशा की गिरफ्तारी पर बेंगलुरु से बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया है, हम आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं। दरअसल पीसी मोहन जो कि बीजेपी सांसद है बेंगलुरु सेंट्रल से, उन्होंने कहा है कि बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था, उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। हैशटैग दिशा रवि। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्योंकि सोशल मीडिया में दिशा के समर्थन में भी और दिशा के खिलाफ भी काफी सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत दरअसल क्या है? क्या टूलकिट को एडिट किया गया दिशा की तरफ से? क्या इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की गई? एक अलग ही एंगल से अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी? देखिए नेहा, जहां तक समर्थन और विरोध की बात है तो वो सभी का अधिकार है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन बात यहां जांच की हो रही है। देखिए 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में FIR दर्ज की थी, उसके बाद गूगल से बकायदा इसकी जानकारी मांगी थी। जैसे ही गूगल से जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस सीधा बेंगलोर पहुंची और शनिवार को जो दिशा रवि है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, उनको हिरासत में लिया, दिल्ली लेकर आई, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि दरअसल दिशा रवि वन ऑफ द एडिटर है, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर है इस टूल किट की। दिशा रवि ने 3 फरवरी को इस टूल किट में एडिट किया है इस टूल किट को और कुछ वर्ड जोड़े हैं, उसके बाद प्रोपगेट किया, आगे फॉरवर्ड किया है। दिशा रवि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रही थी जिसकी सदस्य निकिता थी, निकिता को भी पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने कॉन्टेक्ट किया है। बड़ा खुलासा यह किया है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ग्रुप है उसके साथ दिशा रवि जुड़ी हुई थी और लगातार भारत सरकार के खिलाफ और खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने की ये पूरी प्लानिंग थी। और आपने सुना भी होगा जो प्रवीण रंजन है स्पेशल CP क्राइम ब्रांच, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि टूल किट में जो एक्शन प्लान था दरअसल 26 जनवरी उसके आसपास, वो टूल किट में जो प्लान था वो एकदम ग्राउंड पर रियलिटी में तब्दील हुआ। तो ये तमाम तहकीकात दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इस पूरे मामले पर कई और बड़े खुलासे होंगे, कई ऐसे चर्चित नाम हैं जो दिल्ली पुलिस के रडार पर है। फिलहाल दिशा रवि 5 दिन की कस्टडी में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बताऊं कि दिशा रवि को की कॉन्स्पिरेटर दिल्ली पुलिस ने बताया है और अदालत में भी इस बात का खुलासा, यानी कि मुख्य साजिशकर्ता दिशा रवि को बताया गया और इसीलिए उन पर अब कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर, सुनिए। गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूँ, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे आंदोलनों से निकले हुए, ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उसने 2 लाइन एडिट की थी, कितने युवाओं को आप गिरफ्तार कर लेंगे? पूरे देश में एक लहर उठ जाएगी साहब, मेरे लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। टूल किट मामला है वो काफी गंभीर है। जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्वीट किया था, उसमें पूर्व में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि 23 जनवरी को लोगों ने क्या करना है। जिस दिन भारत की संप्रभुता और भारत की जो निशान है, जो हमारा पवित्र ध्वज है, झंडा है, उसका किस तरह अपमान करना है, इस सारी बातों को उसमें पहले से ही सुनियोजित तरीके से गलती से ग्रेटा थनबर्ग से वह पब्लिक डोमेन में ट्वीट हो गया था।
और बात अब पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे, क्योंकि जय श्री राम के बाद पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा पर घमासान मच गया है। टीएमसी ने बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा पर दिए गए बयान को मुद्दा बना लिया है। यही नहीं, टीएमसी ने मंगलवार को होने वाले सरस्वती पूजा पर भी मेगा प्लान बनाया है। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए बवाल है। साल 2021 में देश की सबसे भीषण सियासी टक्कर है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, जो अप्रैल मई तक निपट जाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनावी रण में मचे घमासान में देवी देवताओं के नाम पर बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त खींचतान मच गई है। अब बीजेपी जय श्री राम के नारे को ममता के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चल रही थी, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर एक ऐसा बयान दिया जिससे टीएमसी को मानो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की काट मिल गई। पहले दिलीप घोष का बयान सुनी। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है रामचरित मानस का, पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बंगला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दिलीप घोष के बयान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ममता की सेना ने पूरी ताकत से दिलीप घोष और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मुद्दा बनाया कि बीजेपी ने देवी दुर्गा का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था का अपमान किया, बीजेपी ने नारी शक्ति का अपमान किया, बीजेपी ने बंगाली जनमानस में रचे बसे संस्कारों का अपमान किया है। इधर लज्जा है ना, जरा नारी दे सम्मान दे ना, जरा नारी दे लांछित वंचित निपीड़ित अत्याचारित शोषित कर रखे, যাদের রাজে উত্তর প্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। টিএমসি কা আক্রমণ হোনা লাজমি ভি হ্যায়, ক্যুঁকি আব তক জয় শ্রী রাম কে নারে অর হিন্দুত্ব কি তলওয়ার থামে বিজেপি ফ্রন্ট ফুট পর খেল রহি থি, লেকিন আব দেবী দুর্গা পর দিলীপ ঘোষ কে বয়ান কো মুদ্দা বানাকর টিএমসি এক কদম আগে বড়কর বল্লেবাজি কর রহি। हालांकि बीजेपी का दावा है कि चुनाव में जीत का छक्का तो वही मारेगी। उन्होंने माँ दुर्गा की स्थापना की थी उस समुद्र के किनारे और वहाँ पूजा किया था। माँ दुर्गा जो है वो शक्ति की देवी हैं, और शक्ति नहीं था ये अगर किसी ने कहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। बीजेपी की काट के लिए टीएमसी न सिर्फ देवी दुर्गा की शरण में आ गई है, बल्कि उसने सरस्वती पूजा के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में कुल 125 जगहों पर सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस ने ली। दरअसल बीजेपी की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे, लिहाजा इस बार चुनाव से पहले टीएमसी किसी भी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती। ये वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा को जनसंपर्क और तुष्टिकरण की छवि को हटाने के लिए तृणमूल इस्तेमाल करने में लगी। ये जो पूजा होता है, ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है, और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बंगालीर बारो मासे तेरो पार्वण, तो हम लोग हर तरह के कल्चर को एक करके हर पूजा को ममता बनर्जी एक उत्सव के रंग में रंग दिए हैं। नारा लगाइए जय श्री राम। बंगाल के चुनाव को श्री राम, दुर्गा या सरस्वती के नाम पर लड़ा जाएगा या फिर जमीनी मुद्दों को भी जगह मिलेगी, ये वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन इस बीच दोनों दलों में जारी खूनी झड़प का दौर भी आगे बढ़ता जा रहा है। शनिवार की रात 24 परगना से कोलकाता की ओर लौटते टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए फिरोज गाजी पर बम से हमला हुआ,
जान तो बच गई, लेकिन टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों में नई जान आ गई। ममता जी की राजनीति अब रेत की तरह उनके हाथ से खिसक रही है। जनता का मन तो उनसे पहले उठ चुका था, अब उनके कार्यकर्ता उनके नेता रोज दर्जनों की तादाद में पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। शायद चुनाव के आने तक ममता जी ही टीएमसी में अकेली रहने वाली है। कुल मिलाकर अब की बार बंगाल में जंग जोरदार है, जहां धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं, बाहुबल भी है और जहां साख का सवाल भी। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू में फिर से पाकिस्तान ने बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। इस बड़ी साजिश की एक एक परत अब खुल रही है। पिछले दो रोज से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन पुलवामा के अटैक के दिन दूसरी दौरसरी के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पर घूम रहा था। सुरक्षा एजेंसियां और हमारे जवान अलर्ट न होते, इतनी चेकिंग और गश्त न होती, हाई अलर्ट न होता तो पुलवामा अटैक की बरसी पर आज न जाने क्या होता, जम्मू शहर बच गया। हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दुराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। 6-6.5 किलो विस्फोटक से जम्मू को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने पुलवामा जैसा प्लान बनाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्लान को अंजाम देने वाले को पकड़ा और साजिश के एक एक तार का भी पता चल गया। जम्मू में जिसके पास से 6.5 किलो आईईडी मिली उसका नाम सुहेल है। वो एक नर्सिंग स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है। आईईडी लगाने का मैसेज पाकिस्तान के अल बद्र आतंकी संगठन से मिला था। इस साजिश में सुहेल के साथी काजी वसीम, आबिद नबी और अतहर शकील खान नाम का व्यक्ति भी था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अतहर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। यानी पुलवामा की बरसी पर जम्मू में हमले के लिए पाकिस्तान के अलबद्र आतंकी संगठन ने पूरा प्लान बना लिया था। इस प्लान को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इन्हें मदद देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी तैयार कर लिया गया था। जम्मू में 4 जगहों पर आतंकियों ने टारगेट किया, रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ज्वेलर्स मार्केट लखदाता बाजार। इनमें से किसी एक जगह पर आईडी प्लेस करने के लिए कहा गया था। 14 फरवरी यानी कि पुलवामा आतंकी जो वारदात हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसकी जो आज दूसरी बरसी है उस पर आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, तो उस इनपुट पर जो है जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से अलर्ट थे। तो जो अपने जो इनपुट्स आए थे सुरक्षा बलों को, उसके आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू शहर में जो है छानबीन की, तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद जम्मू बस स्टैंड के पास 6.5 किलो वजन की जो है एक आईडी बरामद हुई और जो मुख्य टारगेट था, जो मुख्य निशाना था, वो जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर था। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिससे जम्मू शहर बाल बाल बच गया। लेकिन बात सिर्फ जम्मू की ही नहीं है, पाकिस्तान की आतंकी साजिश के निशाने पर दिल्ली और एनएसए अजीत डोभाल भी थे। इसका खुलासा कश्मीर में 2 बड़े आतंकी कमांडर्स के पकड़े जाने के बाद हुआ है। इसमें हदायतुल्ला मलिक नाम का कमांडर आतंकी संगठन लश्करे मुस्तफा का है, जो कश्मीर में जैश मोहम्मद का नया नाम है। इसके अलावा जहूर उर्फ खालिद, जो लश्करे तैयबा के कश्मीर में नए नाम
टीआरएफ का कमांडर है। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर यह बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। पाकिस्तान के निशाने पर हाल में एक्टिव हुए लश्कर और जैश के नए नाम वाले संगठनों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया और दोनों के कमांडर्स पकड़े गए। इन्हीं के नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सीमा पर सुरंगों और ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार भेजता है। इसके अलावा आतंकी हमले करने वाला नेटवर्क तैयार करता है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। खबरों की दुनिया में आज तक और इंडिया टुडे ने फिर से अपनी बादशाहत को साबित किया है। 20वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप ने फिर से बाजी मारी है। आज तक को 19वीं बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब मिला है। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड जीता है। ITA अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक का रुतबा बरकरार। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। आई थैंक द ITA फॉर दिस ऑनर ऑफ पुटिंग मी इन द हॉल ऑफ फेम। टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैव नेवर एस्पायर्ड फॉर फेम। आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड टू स्टे इन द बैकग्राउंड। आई हैव डन माय जॉब एज अ जर्नलिस्ट द बेस्ट वे आई कुड। फॉर्चुनेटली आई लव न्यूज एंड आई लव जर्नलिस्ट। आई एम नो अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर और रॉजर फेडरर, पर्सन्स विद ग्रेट इंडिविजुअल टैलेंट। इन माय लाइन ऑफ वर्क आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट द इंस्टीट्यूशन इज बिगर देन एनी इंडिविजुअल। सो दिस ऑनर गोज टू ऑल ऑफ यू द टैलेंटेड पीपल आई हैव वर्क्ड विद। व्हाटएवर आई हैव बीन एबल टू अचीव इज बिकॉज ऑफ देम। दे हैव ऑल हैड अ कमिटमेंट टू जर्नलिज्म व्हिच इज विदाउट फियर और फेवर and for the relentless pursuit of the truth. I believe journalism done well is a noble profession which makes a difference to the society we live in. It is a force for the good. So thank you again to ITA and Anu and Sashi Ranjan for 20 years of this award. And thank you all the people who work with me. This is all for you. Sathi 20 साल से देश के नंबर वन न्यूज चैनल आज तक ने फिर जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। For 20th ITA People's Choice Award for popular Hindi and English news channel. आज तक एंड टू इंडिया टुडे। सबसे तेज चैनल के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। मैं मानती हूं कि आज तक को ये अवार्ड 1 करोड़ से ज्यादा वोटों से इसलिए मिला है क्योंकि आज तक ना पक्ष ना विपक्ष हर तरफ की बात आपके आगे रखता है। और आपको ये पसंद आया, इसके लिए हम हमेशा से आपके आभारी हैं। थैंक यू अनु एंड शशि रंजन फॉर दिस थॉटफुल अवार्ड। अमेरिका के अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। यहां हो रही लगातार बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घरों से लेकर सड़क तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फबारी की ये तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग शहरों की हैं। लगातार कई दिनों से हो रही बर्फबारी ने यहाँ के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। सड़कों से लेकर पेड़, साइन बोर्ड, घरों और स्ट्रीट लाइट्स भी सफेद बर्फ की आगोश में आ गए हैं। लगातार गिरते तापमान की वजह से उत्तरी अमेरिका की एरी झील भी जम गई है, जिसकी वजह से झील की खूबसूरती और बढ़ गई है। तो वहीं लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियां पलट गई हैं। सड़क पर चलने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट जारी है, जिसको देखते हुए
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में अभी और बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो सकती है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। आज तक ब्यूरो। मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। पूरा मॉस्को शहर इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। यहां तक कि सड़क पर 6 से 8 फीट तक की बर्फ जमा हो गई है। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में दबी हुई नजर आ रही है। भीषण बर्फबारी की ये तस्वीरें हैं रूस की राजधानी मॉस्को की, जहां आसमान से आफत की बर्फबारी हुई और पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। क्या चौक चौराहे, क्या गलियां और क्या सड़क, हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। ये बर्फबारी कितने बड़े पैमाने पर हुई, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉस्को की सड़कों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जम गया। राजधानी के कुछ इलाकों में तो 10 से 12 फीट तक बर्फ जम गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई कारें बर्फ में दबी हुई नजर आ रही हैं। वहीं सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस भारी बर्फबारी की वजह से मॉस्को शहर में जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। कई इलाकों में जहां यातायात ठप है, वहीं कुछ इलाकों में बिजली गुल होने की खबर है। इस बर्फबारी की वजह से यहां हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ी है, जबकि तापमान माइनस में है। मॉस्को प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। बता दें कि यूरोप के ज्यादातर देशों में इस समय भयंकर बर्फबारी हो रही है। वहीं रूस में पिछले एक हफ्ते से बर्फबारी जारी है। इस बर्फबारी की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन के काम पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। आज तक ब्यूरो।